इग्नू हर साल जनवरी और जुलाई से शुरू होने वाले दो सत्रों में प्रवेश प्रदान करता है। जुलाई 2023 के लिए प्रवेश अभी भी खुले हैं। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है और जिसके लिए लिंक जारी की गई है। इग्नू 2071 कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है, जिसमें 30 स्नातक डिग्री, 60 मास्टर डिग्री, 63 पीजी डिप्लोमा, 25 डिप्लोमा, 15 पीजी प्रमाण पत्र, 78 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। ये कार्यक्रम ओपन डिस्टेंस लर्निंग माध्यम पर है, जहां छात्रों को स्पीड पोस्ट से अध्ययन सामग्री मिलेगी और कक्षाएं स्थानीय अध्ययन केंद्र में आयोजित की जाएगी। इग्नू जुलाई 2023 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी कार्यक्रम की पेशकश करता। MBA, MCA, MA JMC, अरबी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा आदि समेत 44 कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से पेश किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में सामग्री सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट और पाठ्यक्रम के अनुसार पंजीकरण प्रदान किया जाता है। 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं, आइडिया होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं BA, BCom, BSc या BTech या MBBS। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वही बताने के लिए हमने जो इग्नू में 12वीं पास वालों के लिए लगभग 114 प्रोग्राम्स हैं। ये बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, वो BA BCom से लेकर, BA में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, BA इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी हैं, BCom BSc हैं, और बहुत सारी बच्चों को इंग्लिश में डाउट होते रहते हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता है, क्या करना है करके। तो इन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश प्रोग्राम है 12वीं पास वालों के लिए, ये बहुत अच्छा कोर्स है। और एक सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज होता है कैसा बताना है, इंटरव्यू में जब वो मुंह नहीं खोलते हैं तो नौकरी कौन देगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी एक कोर्स है कंप्यूटर स्किल सिखाने के लिए। और BBA रिटेलिंग है, BA फैसिलिटी सर्विस मैनेजमेंट है, BA वोकेशनल स्टडीज़ इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। इवेंट मैनेजमेंट भी आजकल एक बहुत अच्छा करियर है, इसमें भी उनको ट्रेनिंग के लिए कोर्सेस हैं। और फॉरेन लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, जापानीज है, स्पेनिश है, इसमें भी कोर्सेस हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आजकल मोबाइल्स हर एक जगह है, उनको मोबाइल कैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है, ये भी एक कोर्स है इग्नू में, और इसका फीस तो लगभग 5,000 ही है। और एक सर्टिफिकेट इन जेरियाट्रिक केयर है, जो ओल्ड एज पीपल है उनको कैसा देखभाल करना है। कल एक आया था हमारे पास, वो नागपुर का है, डॉक्टर है, वो किंग्स हॉस्पिटल लंदन में काम करते हैं, वो तो बोलते हैं कि सर जनरल वार्ड 2 होगा तो जेरियाट्रिक वार्ड 6 होते हैं हमारे पास, तो उनको देखभाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स है, इसके थ्रू उनको एक ट्रेनिंग मिल जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल जाते हैं। वैसे सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड होम हेल्थ असिस्टेंस है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हिसाब से एक डबल डिग्री करने का भी UGC ने मौका दिया है। यदि किसी स्टूडेंट ने 12वीं के बाद का और कहीं भी एडमिशन ले लिया है रेगुलर कॉलेज में, वो दूसरा डिग्री भी इग्नू के साथ साथ कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसी में आगे जाने के लिए लोग अपने आप में इक्विप होना है, इसलिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और इग्नू का एग्ज़ाम्स भी अभी चालू हो रहे हैं 1 जून से, और नागपुर की रीजन के अंदर 10 एग्जामिनेशन सेंटर से 2 जेल्स में हैं, नागपुर और अमरावती जेल्स में। और जब भी कभी दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं इग्नू में, तो वो सभी भी हमने शेयर किया है। अभी आज ही एक मीटिंग रखा है, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया, जैसे उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं एग्ज़ाम में, यदि वो खुद लिख नहीं पाते हैं तो राइटर के लिए भी हम प्रोविज़न देते हैं। यदि बाकी स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम है, इनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते, 1 घंटे का 20 मिनट टाइम एक्स्ट्रा देते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 2 साल की वैलिडिटी है, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम और 1 साल भी एक्स्ट्रा भी दे देते हैं हम, ऐसा बहुत सारी सुविधा भी हैं। अभी न्यू एडमिशन अभी चालू हो गया है ये, और ये लास्ट डेट है 15 जून तक, ठीक है। लोग एडमिशन लिंक है इग्नू.ac.in पे जाएगा तो वहाँ एडमिशन का लिंक भी मिल जाएगा,
और एक नया कोर्स अभी चालू किया है ये जुलाई सत्र से, ये संस्कृत साहित्य में विज्ञान, इसका पीजी डिप्लोमा है, एक प्रोग्राम है ये, कोई भी ग्रेजुएट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4,000 का फीस रहेगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताते हैं कि हमारा पारंपरिक विद्या को भी हम लाइमलाइट में लाना है, इसलिए ये संस्कृत साहित्य में विज्ञान ये भी कोर्स चालू हुआ है, कोई भी इंटरेस्टेड है वो एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए इग्नू 114 प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसमें 28 बैचलर डिग्री प्रोग्राम, 22 डिप्लोमा प्रोग्राम और 64 सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल है, जैसे बीए, ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बीकॉम जी, बीएस, सीजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, बीबीए रिटेलिंग, बीए फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट, बीए वोकेशनल स्टडीज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स आदि। ईएनपी 2020 और यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार इग्नू दोहरी डिग्री प्रदान करता है, जिसमें एक नियमित कॉलेज छात्र इग्नू के माध्यम से एक साथ दूसरी डिग्री भी कर सकता है। पुनः पंजीकरण इग्नू के छात्र सेमेस्टर कार्यक्रमों में और एक वर्ष से अधिक के कार्यक्रमों जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, उन्हें जुलाई 2023 सत्र के लिए अपने आगे के अध्ययन के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिंक https://onlinerr.igno.ac.in है। भले ही उन्होंने अपने पिछले वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, वे 15 जून 2023 से पहले अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।